नुआदिल्लीर जहांगीरपुरठारे हिंसाकांड घटना को नहीं उद्वेग प्रकाश करने कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकु दिल्ली पुलिस को केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह निर्देश। हनुमान जयंती शोभायात्रा समय दिल्लीर जहांगीरपुरा अंचल एभली अघटन देखा मिली। शोभायात्रा उपरे प्रथमे पत्थर माड़ होता परे दुई गोष्ठी मध्य उत्तेजना उग्र रूप धारण कर। हिंसाकांड घटन रास्तार गाड़ी बाइक भंगारुजा सहित पोड़ाजड़ा होता देखा मिली। किसी पुलिस कर्मचारी समेत शोभायात्रा सामिल किसी श्रद्धा हिंसाकांड में आहत होता बेले से मेडिकल भर्ती करपटे घटना को नहीं केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह उद्वेग प्रकाश करने सहित दिल्ली पुलिस सह एने आलोचना कर शीघ्र दोषी को चिह्नट कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ने गृह मंत्रालय पक्ष नुआदिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए। एग्जैक्ट हुआ था कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती की रैली निकल रही थी। रैली तीन ग्रुपों में थी, दो ग्रुप जा चुके थे, जो लास्ट वाला ग्रुप था वो वहाँ से निकल रहा था। कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पे पथराव कर दिया, फिर उन्होंने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे, फिर अचानक 3000 लोग इकट्ठा होते हैं जो उनके हाथों में नंगी तलवार होते हैं और वो लेके टूट पड़ते हैं उन लोगों को। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इसके बाद यहाँ जितनी भी हिंदुओं की दुकानें ये दिखती है, इन दुकानों में तोड़ फोड़ करना, इनको लूटना, आप अगर यहाँ दिखाएंगे कैमरे तो ये बोतलें पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं, यहाँ गोलियाँ भी चली हैं, लोगों को लगी हैं और इतना नंगा तांडव हुआ कि जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या है कुछ समझ नहीं आया। ये जब वो क्या बहन बेटियाँ, क्या औरत, क्या बच्ची, क्या बुजुर्ग, जो मिला उसको मारा पीटा गया बुरी तरह। ये कम से कम आधा क्या एक घंटा चली होगी, एक से डेढ़ घंटा चली है ये घटनाएं। इसके बाद जब पुलिस फोर्स प्रशासन आया है तब ये भागे हैं। ये जो है करीब 10-15 साल से ये हर साल निकलती है और वो बकायदा उन्होंने परमिशन लेके ही निकालते हैं यहाँ से। दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहां मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन चैन शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है। एक प्रोसेशन आपस में दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ, बाकी इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे, पेशेवर तरीके से करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। कितने लोग घायल हुए सर? इसका आकलन कर रहे हैं जो कितने लोग, बहुत ज्यादा लोग, बहुत कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं और इसका आकलन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग फील्ड में हैं, यहाँ पर अभी तो जो मेन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें।